लड़का सभी अलग है, जो दूसरे गांव बेली नाम का लड़का था उसके विरुद्ध मर्डर का मुकदमा दिखाया, क्योंकि ये लड़की 16 तारीख से गायब थी और 18 तक उनके परिवार वालों ने कोई सूचना नहीं दी थी। और जो परिस्थितियां लग रही थी उसमें स्थिति कुछ संदिग्ध नजर आ रही थी। गांव वालों से भी सूचना संकलन किया गया, जानकारी की गई गोपनीय रूप से, तो ये केस जो है ऑनर किलिंग का पाया गया, जिसमें पाया ये गया कि जो सभी यादव था ये लड़का उस लड़की से संपर्क में था और घटना वाले दिन भी शाम को 16 तारीख में ये लड़की से बात करके और इससे संपर्क में आने के बाद में पहले से संपर्क में था और उस दिन इसको इससे जो भी बात हुई इसकी सुबह और उसके बाद में शाम का इसने समय नियत करके आपस में लड़की से और गेहूं के खेत में इसने बुलाया गाँव के पास में, और वहाँ गेहूं के खेत में एक लड़की और ये दोनों आगे पीछे अपना चले गए और वहाँ जाके गेहूं के खेत में ये रहा। इस दौरान इसके घर में सूचना हुई कि वो लड़की कहीं गायब हो गई है। इस पर इसका भाई, जो बड़ा भाई है मृतका का, जिसका नाम राम प्रताप, ये जो है उसको तलाशने के लिए उस तरफ गया और इसने उसको गेहूं के खेत में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और लड़का तो भाग गया और लड़की को इन्होंने गुस्से में आके उसका जो दुपट्टा था उसी दुपट्टे से उसका गला बांध दिया और घटने के बाद में वहाँ से चला आया जल्दी से। और चलने के बाद में क्योंकि उस समय बहुत अंधेरा नहीं था तो इसे लगा कि इसको डेड बॉडी को यहाँ ठिकाने लगाना भी ठीक नहीं है, तो ये रात को फिर 10 बजे जो है उसको डेड बॉडी को गन्ने के खेत से उठा के, उससे गेहूँ के खेत से उठा के उसने पड़ोस में एक गन्ने के खेत में अंदर जाकर डाल दिया। ये सब चीज़ें जब पूछताछ की गई इनसे तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई और लड़के से संबंध भी बताया और उससे पहले भी उन्होंने बताया कि इनकी लड़की, इनकी जो बहन थी उसको कई बार समझाया गया था लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो ऐसी स्थिति में उसके चाल चरण को लेके इनके इनके अंदर गुस्सा था और इन्होंने ऐसे उस लड़की को अपनी बहन का गला उससे दुपट्टे से बांध कर इसकी हत्या कर दी। इस संबंध में मुकदमा कायम हुआ है और मुकदमे के बाद में जो साक्ष्य पाए गए उसके आधार पर और इन्होंने घटना का स्वीकार करना भी बताया है, इनको हिरासत में लिया गया है इस मुकदमे में और साक्ष्य संकलन करके अग्रिम कार्रवाई।